जिसके व्लॉग्स हम लोग एडिट कर रहे हैं वही बंदा गायब है। फाइटर इज बैक जैसा सुरेश रैना ने कहा। हमारी 6 वीडियोस हो चुकी है कंप्लीट। गड़ीगढ़ पहुंच चुके 12:05 पर आप पहुंच चुकी YouTube चैनल मेगा व्लॉग्स पर और हम लोग हैं चंडीगढ़ में। हाय दीपक शर्मा, वेलकम टू माय YouTube चैनल मेगा व्लॉग्स। और आज है 31 मार्च, दी 5 वीडियोस चैलेंज का एपिसोड नंबर 6। और आज का व्लॉग शुरू करने से पहले एक जरूरी काम। तो जी, जो हमारा लास्ट वीडियो गया था वो गया था 23 मार्च को और उसका नाम था छाउ डांस। तो यहाँ पर उसका नाम लिखते हैं। और तो जी, जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले कुछ व्लॉग्स में बताया था कि जो हमारे मित्र है रविंदर, उसके कुछ व्लॉग्स फंसे हुए थे एडिटिंग में जिससे काम चल रहा था। तो आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम था तो मैंने सोचा कि आज इस एडिटिंग रूम में बैठकर एक सेशन लगाते हैं और इसके जो भी व्लॉग्स पेंडिंग है उसको कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर इसका एक व्लॉग रेंडर हो रहा है, इसमें 2-3 कट्स मारने हैं, इसका थोड़ा सा काम बाकी है। और इसके बाद एक व्लॉग और है, उसमें भी थोड़े बहुत कट्स मारने हैं, उसमें भी ज़्यादा काम नहीं है, थोड़ा सा ही काम है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज हम इस एडिटिंग रूम में बैठकर ये जो व्लॉग्स बचे हुए हैं इनको कंप्लीट कर देते हैं। तो अभी ये काम करते हैं। तो जी, अभी बज रहे हैं शाम के 5 और ये जो हमारा एडिटिंग सेशन है ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो अभी निकलते हैं घर के बाहर और आगे की बातें करते हैं। तो अच्छा, ऑलराइट जी। तो जी, अभी मैं आया था बोगनविले गार्डन में और आजकल इस गार्डन की जो वाइब्स है बिल्कुल चेंज हो चुकी है, क्योंकि आप लोगों को तो मालूम ही है कि मौसम चेंज हो चुका है, गर्मी आने वाली है और पत्ते काफ़ी सारे झड़ चुके हैं पेड़ों से। तो एक अलग ही वाइब्स है चंडीगढ़ की आजकल। और आप लोग सोच रहे होंगे कि रविंदर कहाँ है, मतलब कि जिसके व्लॉग्स हम लोग एडिट कर रहे हैं आज के व्लॉग में वही बंदा गायब है। एक्चुअली वो बंदा निकला हुआ है किसी जर्नी पर, 2-3 दिन की जर्नी है और काफ़ी कमाल की जर्नी है। और जब वो मिलेगा अपने को अगले व्लॉग में तब आप लोगों को उसकी जर्नी के बारे में बताया जाएगा। और ये जो गार्डन है बोगनविलिया गार्डन, इसकी खास बात ये है कि जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ इसकी वाइब्स काफ़ी कमाल की होती है। तो जी, आप लोगों को तो मालूम है कि आजकल हमारा चैलेंज चला हुआ थी 5 वीडियोस चैलेंज, और इस चैलेंज के तहत अपने को कंसिस्टेंटली आप लोगों को वीडियोस डिलीवर करने हैं, टाइम टू टाइम आप लोगों से इंट्रैक्शन करना है। और जब इस तरह का इंट्रैक्शन होता है ना, तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ें हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जिससे क्या है कि हमको भी अच्छा लगता है और आप लोगों के साथ जो हमारा कनेक्शन है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो आप लोगों को तो मालूम ही होगा कि कुछ टाइम पहले मैंने एक फ़ोन परचेज किया था, सैमसंग का A54। इसका मैंने अनबॉक्सिंग और रिव्यू भी किया था, आईकार्ड में लिंक होगा, जाके चेक कीजिएगा। और कुछ टाइम से मुझे इस वाले फोन में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, मतलब प्रॉब्लम तो एक ही है बट वो काफी सीरियस प्रॉब्लम मुझे लग रहा है, और वो है ओवरहीटिंग का। ये जो फोन है काफी ज्यादा हीट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई गेमिंग कर रहा हूँ या चार्जिंग के टाइम पे ये फ़ोन ओवरहीट कर रहा है, बल्कि मैं जब नॉर्मली DMs वगैरह चेक करता हूँ या नॉर्मली फ़ोन को यूज़ करता हूँ तो भी काफ़ी ज़्यादा ये फ़ोन हीट कर रहा है। और कुछ टाइम से मेरे हाथ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर ओवरहीटिंग की वजह से। तो ये प्रॉब्लम मुझे कुछ सीरियस लग रहा है। इससे पहले मेरे पास जो फ़ोन था वीवो का, काफ़ी टाइम से मैं वीवो के फ़ोन यूज़ करता आ रहा हूँ, लेकिन इन फ़ोन्स में मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं हुई। और इसमें जब मैं गेमिंग करता हूँ, रियल क्रिकेट 23 जब मैं गेमिंग करता हूँ, काफ़ी हैवी गेम है, तभी ये फ़ोन ओवरहीट होता है, वो भी थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। अदरवाइज़ ये वाला फ़ोन कभी हीट नहीं होता। और मुझे कुछ लोगों ने कहा था कि यार सैमसंग के फ़ोन हीट करते हैं, सैमसंग के फ़ोन मत लो। तो मुझे लगा कि यार जो छोटे मॉडल होते होंगे शायद
शायद वो हिट करते होंगे, लेकिन इस वाले फ़ोन के लिए हमने अच्छा खासा खर्चा किया है, तो मुझे लगा कि शायद ये वाला ओवरहीट नहीं होता होगा, लेकिन स्टिल ये ओवरहीट कर रहा है। और जबकि मैं इसमें गेमिंग वगैरह भी नहीं करता, बिल्कुल भी गेमिंग नहीं करता, उसके बावजूद भी ये चीज़ हो रहा है। तो इसका मुझे कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा कि ये ओवरहीट किस वजह से हो रहे हैं। और सबसे पहले मुझे एक रिसर्च करना है कि ये जो ऐसे फ़ोन्स होते हैं जो ओवरहीट होते हैं, इन फ़ोन्स को यूज़ करने का हमारी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसके बाद ही मैं ये चीज़ डिसाइड कर पाऊँगा। लेकिन अगर इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन ना मिला तब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मोटा नुकसान हो जाएगा अपना। और ये जो हमारा डिसीज़न है ये सैमसंग का फ़ोन लेने का, ये वेस्ट जाएगा। और सैमसंग में जाने का मेरे सिर्फ दो बेसिक रीज़न थे, सबसे पहला सिक्योरिटी पर्पस, और दूसरा जो रीज़न था वो था सुपर स्टेबिलिटी मोड, जिसका मैंने टेस्ट भी किया था, आईकार्ड में लिंक है, उसका भी जाके चेक कीजिएगा। और इन दो मामलों में ये फ़ोन बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन ये जो ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम आ रही है इसका देखना पड़ेगा कि क्या कर सकते हैं, लेकिन पहले मुझे इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। तो रिसर्च करने के लिए हम घर जाएंगे जब भी, तो वो रिसर्च करेंगे कि ऐसे फ़ोन हम किस लेवल पर यूज़ कर सकते हैं। फाइटर इज बैक, जैसा सुरेश रैना ने कहा, आप डिले कर सकते हैं लेकिन डिनाई नहीं कर सकते, जैसा कि उनके पोस्ट से आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा। एक कमाल रही थी, लेकिन फिर वो आखिरी 13 गेंदों में आ गए 30 रन और मोमेंटम। और आज के मैच में हमारे स्टार ने परफॉर्म करके दिखा दिया। वैसे पिछले दो मैचों में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन आज आंकड़े भी बहुत कमाल के रहे हैं, और हमारे स्टार ने बना दिया है शानदार हाफ सेंचुरी। और ये वाला जो सेलिब्रेशन है ना, इसके बारे में खुल के बात कल करेंगे, क्योंकि कल हमारे मित्र आने वाले हैं रविंदर, उससे मैं मिलूँगा, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो भी उसकी जर्नी उसके बारे में बात करेंगे, और आज का ये जो मैच है इसके बारे में भी खुल के बात करेंगे उसके साथ में। और अभी मैं बात कर रहा था रिसर्च के बारे में, इसमें ये कहा गया है इफ़ योर फोन इज ऑपरेटिंग इट मे बी फ्रॉम लॉन्ग आवर्स ऑफ स्ट्रीमिंग रनिंग टू मेनी एप्स एट द सेम टाइम ट्राइंग टू यूज फोन विद अ बैड सिग्नल लिविंग इट इन डायरेक्ट सनलाइट और मालवेयर। लेकिन गेमिंग वगैरह तो मैं ज़्यादा करता नहीं हूँ, और फ़ोन भी मेरा ज़्यादा लंबे टाइम तक रेगुलरली यूज़ होता नहीं है, बट ये इन्होंने रीजंस दिए हैं, और इन्होंने कुछ सेटिंग्स भी दी है कि जिससे फ़ोन ओवरहीट ना हो, वो भी देखते हैं। ये इन्होंने दी है हाउ टू फिक्स सैमसंग फोन ओवरहीटिंग प्रॉब्लम्स, इन्होंने बोला है क्लोज एक्टिव एंड बैकग्राउंड एप्स, तो ये इन्होंने कुछ स्टेप्स दिए हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी कुछ ऑप्शंस हैं अपने पास बैटरी एंड डिवाइस केयर को लेकर, तो ये भी हम देख सकते हैं। तो ये कुछ सेटिंग्स है जिनको हम अप्लाई करके देख सकते हैं हमारे फ़ोन में, जिससे शायद ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। और ओवरहीटिंग की वजह से क्या हमारी स्किन पे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है कि नहीं, वो भी मैं देख रहा था, तो उसका भी आंसर अपने को मिला है यहाँ पे। ये कहते हैं डू नॉट यूज द फोन व्हेन इट इज ओवरहीटेड, वैसे बात ये भी कहता हूं, आगे भी देखते हैं, एज दिस ओवर एक्सपोजर रिड्यूसेस स्किन मेलानिन प्रोडक्शन गिविंग यू अनइवन स्किन टोन एंड इवन डार्क स्पॉट्स। तो मतलब कि जब फ़ोन ओवरहीट हो तब अपने को फ़ोन को यूज़ नहीं करना है, और इसको कूल होने के लिए रख देना है। तो यही चीज़ मैं वैसे कर रहा था कुछ टाइम से, तो अभी और सारा ध्यान रखेंगे इसका। लेकिन इसमें ऐसा लिखा गया है कि जब फ़ोन आपका ओवरहीट हो तो उसको 5-10 मिनट के लिए साइड में रख दो कवर केस वगैरह निकाल के, तो वो भी मैं करता हूँ, लेकिन स्टिल ये 15-20 मिनट ले लेता है ठंडा होने के लिए, तो ये मेरी समझ के अभी बाहर है। तो अभी ये जो सेटिंग्स उन्होंने बताई है इसको अप्लाई करके देखेंगे, और अभी बढ़ते हैं इस चैलेंज की प्रथा की तरफ को। तो जी ये जो हमारा पहला सेशन था मार्च महीने में, 1, 2, 3, 4, 5 वीडियोस कंप्लीट किया है, तो पहला सेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, और अभी हम लोग बढ़ेंगे हमारे दूसरे सेशन की तरफ को। और आज है 31 मार्च, तो यहाँ पर डेट डालेंगे और इस पे लगाएंगे हम काटी। ऑलराइट, सो इस चैलेंज के तहत हमारी 6 वीडियोस हो चुकी है कंप्लीट, एंड ए सुपर थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर योर ऑल लव एंड सपोर्ट। और अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे ऊपर इसी तरह से बनाए रखिएगा, ताकि ये जो चैलेंज है हम इस चैलेंज को पूरा कर सकें, और आप लोगों को जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस हम लोग दे सकें। एंड ये वाला जो व्लॉग है इसको यहीं पर एंड करते हैं, एंड थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस एपिसोड, आई सी यू नेक्स्ट एपिसोड, टिल देन बाय बाय, खुश रहिए, आबाद रहिए, खुशियां बांटते रहिए, और मैं मिलता हूँ आपको अगले व्लॉग में।